क्या हाल चाल, OB42 अपडेट आने वाला है, पर आप लोगों का तो फेवरेट OB 29 अपडेट 19 ही था, क्योंकि उसमें हमें देखने को मिला था स्नो मैप, यानी कि हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आइस वार हुआ करती थी, मतलब बर्फ गिरती थी, तो कितना कूल लगता था ना। और गाइस इतना ही नहीं, साथ ही साथ हमारे OB42 में जो चीज़ आने वाली है, बरमुडा मैप के अंदर चेंजेस आने वाले, वो देखो यार गाइस, तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, तो रेडी हो जाओ। और साथ ही साथ OB42 अपडेट्स की भी बात करेंगे, एडवांस सर्वर की बात करेंगे सारी वीडियो में, तो तैयार हो जाओ। और जो स्नो वाली बताई थी ना मैंने, उस चीज़ को मिस मत करना, क्योंकि वो वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारी वीडियो में, मतलब गाइस, हमारी वीडियो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि आप लोग यार वीडियो को पूरा नहीं देखते यार, वीडियो को पूरा देख लिया करो यार, ज़्यादा नीचे से 7 मिनट की भी वीडियो नहीं होती पूरी, इसको बनाने में मेरे को ना करीब 3 से 4 घंटे जाते हैं यार, तो प्लीज़ पूरा देख लिया करो। तो अब शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ है, अभी मैं आप लोगों से सबसे सीधे पॉइंट पर बात करता हूँ कि आप लोगों का सबसे फेवरेट ओबी अपडेट था OB अपडेट 19, क्योंकि उसमें हमें स्नो मैप देखने को मिला था। और अब आने वाला है OB42 अपडेट, तो क्या हमें OB42 में स्नो मैप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्नो मैप भाई, क्योंकि विंटर आने वाले हैं, तो स्नो मैप हमारे गेम के अंदर आना तो वाजिब है, पर आएगा या नहीं आएगा इस चीज़ का तो कन्फर्मेशन में ही मैं बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ है वो है OB42 अपडेट रिलीज डेट। तो गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो OB42 अपडेट है वो आने वाला है अराउंड आपको 27 या 28 अक्टूबर के अंडर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो अपडेट आने वाला है उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो उसकी कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। और नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है एडवांस सर्वर। हाँ तो गाइस अब है ना, जो हमारा मतलब होता है ना OB40 अपडेट, तो उसका एक एडवांस सर्वर आता है OB अपडेट आने के 8 दिन पहले। तो हमारा जो एडवांस सर्वर है वो अराउंड, अब मैं देखो 27 या 28 अक्टूबर को तो हमारा OB अपडेट आ जाएगा, तो उसके अराउंड हमें कम से कम 5 से 10 दिन पहले, मतलब अराउंड 8 दिन पहले करीब करीब हमें एडवांस सर्वर देखने को मिल जाता है। तो एडवांस सर्वर मिलने के 8 दिन पहले हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब उसकी की आती है, कोड आता है, वो हमें अपनी आईडी मतलब अपनी जीमेल डाल के उसको रजिस्टर करना पड़ता है, जब जाके हमें वो मिलता है। तो जब जिस दिन वो आएगा, और वो कब आने वाला है, वो आएगा अराउंड 13 अक्टूबर को। तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा आप लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे अपना की लेना है, मतलब वो कोड लेना है, जिससे आप लोगों को एडवांस सर्वर ओपन करने में आसानी होगी। गाइस एडवांस सर्वर की की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो मिस हो गई ना तो फिर तो एडवांस सर्वर डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की, वो है एंड ऑफ सोनिया। अभी ना गाइस हर एक प्लेयर ना, जो दिमित्री और सोनिया का मैं मतलब दोनों को मिक्स करके खेल रहा है ना, वो सबसे लेजेंड हो रहा है, उन लोगों का ना अलग ही चल रहा है भाई, स्क्वाड को दो ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर ख़त्म करके चले जाते हैं वो लोग, इतने डेंजरस है यार। पर गाइस अभी ना OB42 अपडेट आने वाला है, उसमें ना उन प्लेयर्स के ना लगने वाले हैं, क्योंकि गरीना वालों ने साफ साफ बता दिया है कि वो लोग सोनिया और दिमित्री की कैरेक्टर की एबिलिटीज चेंज करेंगे, जिसमें खास कर सोनिया की तो करेंगे ही सही। पहले उसको 3 सेकंड मिलते थे, अब लगता है 1 सेकंड ही मिलेगा। और जहाँ तक रही दिमित्री की बात, दिमित्री की या तो रिवाइवल टाइम घटा दिया जाएगा, या फिर अपने फ्रेंड्स को दिमित्री सोनिया यूज़ करने के बाद उसका यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है।
तो अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है मिस्टीरियस कैरेक्टर। आप लोगों को याद हो तो कि जैसे जैसे ओबी अपडेट आता है, हर ओबी अपडेट में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो तो कैरेक्टर्स आते ही हैं, जिसे मतलब एक ना दो, एक दो तो कैरेक्टर, नए कैरेक्टर्स को गेम के अंदर ऐड किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। तो हमारे ओबी 42 में भी अपडेट में भी क्या कोई नया कैरेक्टर आएगा यार? आप सब लोगों को पता है ओबी 42 के अपडेट के अंदर जो कैरेक्टर आने वाला है वो है MHD, यानी कि MS धोनी कैरेक्टर। यार हर बच्चे को पता है ये चीज़ कि हमारे ओबी 42 के अंदर कैरेक्टर आएगा जो सबसे तगड़ा रहेगा। उसकी एबिलिटी अभी ना किसी को नहीं पता, मुझे क्या यार, ये जो बता रहे ना ये कुछ लोग कि उनकी कोई बात पर विश्वास मत करो, जो MS धोनी सर की कैरेक्टर की एबिलिटी जब जाकर रिवील होगी, जब एडवांस सर्वर आएगा। जब तक कोई कुछ भी कहे आप लोगों को नहीं मानना है, कहने दो जिसको जो कहना है, बस उनसे आप ये अगर कोई आपसे कहें तो उससे जाके ये पूछ लेना भाई इसका पक्का प्रूफ क्या है, तब आएगा मज़ा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो है फ्लाइंग। यानि कि मतलब आप लोगों को याद हो तो ओबी 31 मतलब ओबी 29 और ओबी 41 के अपडेट में हमें एक स्पेशल मोड देखने को मिला था जिसके अंदर ग्लाइडर हुआ करता था। और अब अभी हम गेम खेलते तो हमें उड़ने के लिए मतलब उड़ते थे ना, फ्लाइंग करते थे ना, तो मैं क्या किस चीज़ से फ्लाइंग कर पाते थे अपन? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जिपलाइन हुआ करता था, और एक लॉन्च पैड और एक मिनी लॉन्च पैड। मिनी लॉन्च पैड से उड़ते थोड़ी ना थे। अभी कुछ भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम गेम के अंदर फ्लाई कर सकें। तो अभी दोबारा जो ओबी 41 का अपडेट आने वाला है, ओबी 42 का, उसमें हमें ग्लाइडर देखने को मिलेगा। बस वो इतनी सी बात है, वो ना वो रैंक में मिलेगा ना क्लासिक में मिलेगा, हमें एक स्पेशल मोड दिया जाएगा जिसमें हमें ग्लाइडर देखने को मिलेगा। बस इतनी सी चीज़ यार, कब आएगा यार रैंक के अंदर ग्लाइडर? मैं ना उड़ उड़ के रैंक पुश करता था यार, गाइस गजब दिलखुश हो जाता था मेरा, वो यादें याद आ जाती है मेरे को। तो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्नो मैप। आप लोगों को याद हो तो पिछले साल विंटर में एक आया था, मतलब इसका नाम क्या था, नेक्स्ट्रा मैप आया था ना आपको, अराउंड 2 साल पहले आया था नेक्स्ट्रा मैप, तो आपको याद हो ना? तो जब नेक्स्ट्रा मैप आया था तब नेक्स्ट, तो हमारे गेम के अंदर एक मैप हुआ करता था बरमुडा रिमास्टर, तो उसके अंदर ना एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था समुराई गार्डन, यानी कि कोल्टूस हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समुराई गार्डन में हमें पहले स्नो देखने को मिलती थी। अब पता इस चीज़ की ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं क्योंकि विंटर आने वाले हैं, तो हमारे गेम के अंदर भी क्या हमें देखने को मिलेगी? और साथ ही साथ कल ना एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें वो भी सारी के सारे प्रूफ्स के साथ आपको बताऊंगा कि हमारा फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है। तो कल वाली वीडियो के लिए रेडी रहना। और जहाँ तक स्नो मैप के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है क्योंकि विंटर चल रहे हैं और बहुत टाइम हो गया हमें विंटर से रिलेटेड इवेंट तो देखने को मिले हैं, बस विंटर नहीं देखने को मिला अच्छे से। तो आ सकता है, इसके चांसेस है। और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो क्वेश्चन कर लेना। जब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, भूलना मत, कोई नौटंकी नहीं चलेगी।